आपको पता भी रहेगा ना कि मुझे आर्ट्स लेना है, अगर आपको पता है कि मुझे कॉमर्स ही लेना है, अगर आपको ये भी पता है कि मुझे साइंस लेना है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में स्पेशली आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेने से आपके सर का टेंशन जो है दिमाग का वो कम हो जाएगा, और कौन से लेने से आपको कोई मतलब ही नहीं होगा और बिना वजह के आपके पैसे उसमें चले जाएंगे। तो ये वीडियो को प्लीज ध्यान से। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें आपको दो लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश एंड हिंदी, 11th और 12th में। आप उसके अलावा आप आपके जो स्ट्रीम्स के हिसाब से आपकी लैंग्वेजेस चेंज हो सकती है, या तो आप हिंदी के जगह मराठी भी ले सकते हो या कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चार सब्जेक्ट दिखेगी, जिसमें एक रहेगा इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉजिक, फिलोसफी। ये सारे कंबाइंड सब्जेक्ट्स मैंने आपको बोल दिया, बट आप उसमें से कोई भी चार सब्जेक्ट को आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसमें से मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि आपको क्या लेना है। आपको सोशियोलॉजी लेना है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आर्ट्स के जरिए आपको सोसाइटी के नजदीक ले जाता है। Alright, you come to know about society, you come to know about the culture, you come to know about the problems and traditions and culture in every different aspect of society. ये क्लियर हो गया आपको? अब मैंने आपको बता दिया कि आर्ट्स में आपको क्यों पढ़ना है और आर्ट्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैं तीसरी बात आपको ये बताऊंगा कि आर्ट्स के जरिए आप क्या बन सकते हो। आर्ट्स के जरिए आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हो। Alright, आप एक लीडर बन सकते हो, एक एक्टिविस्ट बन सकते हो। आपके लीडरशिप क्वालिटीज और एबिलिटीज और स्किल्स को आप एडवांस करके आप डेफिनेटली मैनेजर के पोस्ट तक भी जा सकते हो। Alright, with that, आप आर्ट्स के जरिए लॉयर बन सकते हो, बिकॉज आपके अंदर एक स्पीकिंग एबिलिटी आ जाती है, पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट आपके अंदर डेवलप हो जाती है ऑलरेडी विद various other exercises. So I request you guys कि आप arts लो अगर आपके अंदर definitely already एक package है skills का और abilities का, and आपने already कुछ सोच कर रखा है कि मुझे teacher बनना है या मुझे politician बनना है या मुझे leader बनना है या etc etc या मुझे psychologist क्यों ना बनना हो, तो मैं definitely arts लूंगा। अगर आपके पास है वो वाली knowledge, अगर आपके पास है वो वाला passion और talent, तो definitely arts आपका subject है। Thank you very much for watching the video till this end. If you have loved it, make sure कि आप इस वीडियो के नीचे जाकर लाइक का बटन दबा रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या लेने वाले हो 10th के बाद में। Thank you very much for watching the video till this end. All the very best.